कानून के विरोधी हारेंगे। 4 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी हारेंगे। 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। 4 जून को आर्टिकल 370 के समर्थक हारेंगे। 4 जून को ट्रिपल तलाक के समर्थक हारेंगे। 4 जून को भ्रष्टाचार के समर्थक हारेंगे। 4 जून को तुष्टीकरण के समर्थक हारेंगे। साथियों, हैदराबाद सॉल्यूशन सिटी है। यहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। आप मुझे बताइए, क्या भारत करप्शन जैसी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ सकता है क्या? पूरी ताकत से बताइए, बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? क्या भारत को लाखों करोड़ के स्कैम करने वाली पार्टियां आगे बढ़ा सकती है क्या? क्या यूथ की एस्पिरेशंस को इग्नोर करने वाली पार्टियां देश का भविष्य बना सकती है? क्या मिडिल क्लास के ड्रीम्स को कुचलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां आपका भला कर सकती हैं? क्या हर प्रोजेक्ट में पहले करप्शन का पोटेंशियल खोजने वाली पार्टियां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं? तो ये काम कौन कर सकता है? 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 मोदी नहीं, ये आपका एक वोट कर सकता है। ये आपके वोट की ताकत है जो इन सारी समस्याओं का समाधान है। आपने बीजेपी को वोट, एनडीए को वोट दिया। भारत भी अपनी दशकों पुरानी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर काम करने लगा। आज इसका परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं। भारत आज डिजिटल पावर है। भारत आज फिनटेक पावर है। भारत आज स्टार्टअप पावर है। भारत आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत आज स्पेस पावर है। साथियों, ये तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है लूट लूट लूट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अपीजमेंट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है डायनेस्टी फर्स्ट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ना, मैं तो चाहूंगा कि हर परिवार अपने 18, 20, 22 साल के बच्चों के साथ बैठे और 10 साल पहले क्या हाल थे उसकी जरा चर्चा करें। शायद इन फर्स्ट टाइम वोटर जो आज से 10 साल पहले 8 साल, 10 साल, 12 साल के थे, उन्हें तो याद भी नहीं होगा 10, 11 साल पहले यहां दिलसुख नगर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। कांग्रेस की सरकार में पहले पूरे देश में ऐसी ही खबरें आती रहती थी। कोई परिवार
रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, ब्लास्ट हो जाता है। कोई परिवार थिएटर में मूवी देखने गया है, ब्लास्ट हो जाता था। कोई परिवार बस से ट्रैवल कर रहा है, ब्लास्ट हो जाता था। आज कहीं से भी ऐसी खबरें आती हैं क्या? जरा इस तरफ से मुझे जवाब चाहिए।